वर्तमानों से शांत हूँ, जिनके गुणों के गान हूँ, ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे दिन। गाथा नंबर 46, प्रवचन सार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन ज्ञानाधिकार। गाथा पढ़ो। यदि सोस्तु हो वासु हो प्रणामनियाता स्वयं सहापेण संसारो विनमेच्छति सर्वेषिं जीवकार्याणं। यदि स्वयं स्वभावसे शुभ अशुभ रूप न परिणमे तो सर्व जीव निकाय के संसार दीना से। पिछली गाथा में ये कहा था कि अनंत भगवान के विहार होता है, दिव्य ध्वनि खिड़ती है, खड़े रहना होता है, चलना होता है, तो ये सारी क्रियाएं होते हुए भी उन्हें बंध नहीं होता, जबकि और औदय की क्रियाओं के साथ बंध होता है। तो ये भी औदय की क्रियाएं हैं, किसी कर्म के उदय से होती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो आदि के सहित जो क्रियाएं औदय की होती हैं उनके बंद होता है, वो इनके मोहादि से रहित हैं, इसलिए इनके बंध नहीं होता। तो बंध तो छाय की क्रिया वालों के नहीं होता है, इसलिए कहते हैं औदय की होते हुए भी इनको छाय की ही क्यों ना मान लिया जाए, क्योंकि औदय की का फल नहीं मिल रहा और छाय की का इन्हें फल मिल रहा। ये बात कल हो गई थी। अब वो शिष्य कहता है कि ये तो अन्याय है, ऐसे हमारा भी चलना फिरना उठना बैठना और बोलना इनकी वजह से हमें बंध नहीं होना चाहिए, हमारी जी भी औदय की क्रियाएं हैं तो इन्हें छाय की मान लेना चाहिए। तो वो कहते ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे मोहादि है। तो इतना सा प्रश्न है, इतना सा उत्तर है, लेकिन वो कहते हैं देखो, यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, कहते ये जो इसे उदय की क्रिया बोलते हैं ना, तो उदय की मन उदय से होने वाली, तो फिर हम समझते हैं कि यदि जो कर्म के उदय से क्रिया हो वो स्वाभाविक नहीं होती। तो वो कहता कि नहीं, ये क्रिया कर्म का उदय तो मात्र निमित्त है, लेकिन इसका उपादान तो आत्मा ही है ना, इसलिए एक स्वभाव होता है स्वभाव और एक होता है विभाव स्वभाव। पूज्य गुरुदेव श्री भी ऐसा फरमाते थे बार बार कि ये आत्मा राग रूप भी अपने विभाव स्वभाव के कारण ही परिणमता है। विभाव स्वभाव माने क्या, कि उस बस उस स्वभाव के साथ ये शर्त लगी है कि ऐसा कर्म का उदय होना चाहिए, तो ये जीव इस तरह से इस अनुसार परिणमेगा। तो कहते हैं बस ये शर्त लगी है, इसलिए तो हम विभाव स्वभाव कहते हैं। देखो, यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न परिणमे, शुभ अशुभ भाव रूप ये जीव स्वयं अपने स्वभाव से ही न परिणमे, तो सर्व जीव निकाय के संसार भी न सिद्ध हो, तो सारे संसारी जीवों को भी संसार की सिद्धि नहीं होगी। जैसे अनंत भगवान के संसार की सिद्धि नहीं होती, ऐसे सारे जीवों को भी संसार की सिद्धि नहीं होगी। जैन दर्शन में सब चीज स्यादवाद से है, अनेकांत से है, इसलिए उनने इसकी टीका लिखते ही पहले ही लिख दिया कि यदि एकांत से ऐसा माना जाए,
ऊपर तो अगलत नहीं है। यदि जीव स्वयं स्वभाव से शुभ अशुभ रूप न पर्ण में, एकांत से तो नहीं लिखा ना, लेकिन टीका में उन्होंने एकांत से जोड़ दिया। तो कहे तुमने क्यों जोड़ दिया, जो बात गाथा में है वही लिखना चाहिए। तो कहते फिर हमारा काम क्या है, यदि वैसी की वैसी कर दें तो हम टीकाकार नहीं है, फिर क्या हो गए हम अनुवादक। बस आज लोग अनुवादक और टीकाकार में अंतर ही नहीं समझते। वो अनुवादक भी ये अधिकार समझता है कि मुझे भी इतना इतना सब लिखने का अधिकार है, और टीकाकार को टीकाकार का उसका भेद ही नहीं समझते हैं। टीकाकार की ये आवश्यकता है कि वो अपेक्षा बताए, बात को स्पष्ट करे, उसमें कोई प्रश्न खड़ा होता हो तो उसका जवाब दे। ये सब चीजें कहते हैं टीका टिप्पणी। ये टिप्पणी जानते हो जो नीचे लिखी जाती है ना, ये टिप्पणी कहलाती है, जो नीचे पंक्ति के नीचे लिखी जाती है। जो पहले क्या होता था कि शास्त्रों का इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिखना सबके नहीं था, तो जो उसमें कठिन शब्द होते थे उनका अर्थ नीचे लिख देते थे, और नीचे लिखते थे तो उसे टिप्पणी कहते थे। वे शब्द अधिकांश पारभाषिक होते थे, माने ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर जल लिखा और हमने नीचे पानी लिख दिया। वो ऐसे होते थे कि उनका स्पष्टीकरण एक दो लाइन में करना पड़ता था। तो जब हम उसका मूल टीका में लिखकर, अर्थ में लिखकर विस्तार से खोलें तो वो टीका कहलाएगी, और हम एक दो लाइन में नीचे लिख दें तो उसे टिप्पणी कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं ये टीका टिप्पणी। अब जो वो कितनी अच्छी चीज थी, टीकाएं माने जो आचार्य ने कहा है उसके भाव को पूरी तरह खुलासा करना, तर्क युक्ति से सिद्ध करना, उसमें जो नए लगाए हों वो नए बताना, शब्दों की व्युत्पत्ति बताना, ये सब चीजें टीका में शामिल थी। और टिप्पणी माने तो फिर भी कोई बात ऐसी है कि वो बीचा में टीका में शामिल नहीं की जा सकती है और उसका अर्थ बताना जरूरी हो तो नीचे उसमें बता देते थे। आजकल तो टिप्पणी में सिर्फ ये रह गया कि ये छंद किस शास्त्र का है, कौन से नंबर की गाथा है, कौन से कहाँ से वो प्रकाशित हुआ है, ये सब लिख देने का काम ही टिप्पणी में रह गया है। क्योंकि हम ऊपर की सब बातें उस टीका में जो हम लिखते हैं, अनुवाद जिसे अनुवाद भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन पहले इस बात में बहुत अंतर था कि ये टिप्पणी है, ये टीका है, ये भाष्य है, ये महाभाष्य है, ये सारे भेद होते थे। तो किसको भाष्य कहते हैं, किसको महाभाष्य कहते हैं, है ना, वो अलग है। यदि एकांत से ऐसा माना जाए, अब एकांत से माने सर्वथा की बात नहीं है, ये है ना, यदि श्याद बात से ऐसा मानो कि आत्मा शुभाशुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एकांत से ऐसा मानो कि शुभाशुभ भाव रूप स्वभाव में आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, यदि ऐसा मानो कि आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता तो यह सिद्ध होगा कि वह सर्वथा ही निर्विघात शुद्ध स्वभाव से अवस्थित है, माने वो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष है, यानी फिर उससे बंध नहीं होगा। ऊपर समस्या क्या थी, वो छाई की मानी जाएगी, क्योंकि जिस चीज से हमें बंध नहीं हो रहा तो उसको हम स्वभाव ही माना जाएगा, और वो क्रिया जो होगी वो औदय की नहीं होगी, छाई की होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि कथनचित इसका स्वभाव है और कथनचित वो निमित्त भी है। तो वो ये कहते हैं कि शुभाशुभ भाव रूप जो परिणमित होता है आत्मा, यदि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, माने वो स्वयं ही परिणमित नहीं होता, तो उसके फल में उसे बंध नहीं होना चाहिए, तो सभी जीव संसारी नहीं रहेंगे, सभी सिद्ध हो जाएंगे। तो सांख्य वाले ऐसा मानते हैं,
इसलिए वो अपने आचार्य हैं, क्या नाम, जयसेन आचार्य, वो तो आगे की लगा। टीका की चौथी पंक्ति, आचार्य जयसेन तात वृत्ति टीका में इस गाथा के भाव को नए विवक्षा से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांखों जैसी मान्यता वाला कोई शिष्य है ना, वो आत्मा को बिल्कुल निर्दोष मानते हैं और जो कुछ कराती है वो सब प्रकृति कराती है। थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी तुम लोगों ने कि वे 25 तत्व मानते हैं, एक प्रकृति, एक पुरुष, और प्रकृति फिर 24 प्रकार की होती है। अब समझ लो पुरुष माने आत्मा और प्रकृति माने पुद्गल, ऐसा समझ लो मोटा मोटा जो अपने यहाँ है ना। और फिर ये 148 प्रकार के कर्म प्रकृतियाँ अथवा 8 प्रकार के कर्म, इनका बंद उदय, ये सब बहुत ऐसा झगड़ा है ना। ऐसे ही उनके उन 24 तत्वों में वो प्रकृति ही सबसे ज्यादा सक्रिय है, आत्मा तो बिल्कुल निष्क्रिय है, वो कुछ नहीं करता। वो आत्मा में जो कुछ होता है वो सब प्रकृति से होता है। तो अपने यहाँ जो लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म की जो प्रकृतियां हैं ना 148, उन प्रकृतियों के उदय से ही सब होता है, एक कर्म ही सुलाता है, कर्म ही जगाता है, कर्म ही गुस्सा कराता है, खाना खिलाता है तो कर्म ही खिलाता है, असाता वेदनी कर्म के उदय से, वेदनी कर्म के उदय से आता है ना सब है? तो ये सारे काम कर्म ही कराता है, आत्मा नहीं। ऐसे वहाँ सारे काम प्रकृति ही कराती है, पुरुष नहीं। तो वहाँ उनने सर्वथा माना और अपने यहाँ माना कि वो आत्मा ऐसा नहीं कि कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है, वो स्वयं भी शुभ अशुभ भाव रूप से परिणमित होता है कथनचित, और तब वो अपराधी सिद्ध होगा और तब वो बंद होगा। जिस अपेक्षा से वो अब कर्म के वो मानेगा मैं स्वयं परिणमित हुआ है तभी तो वो अपराधी सिद्ध होगा। यदि ये सिद्ध हो जाए कि इस आदमी ने, इस पुलिस के सैनिक ने गोली चलाई तो ऑफिसर की आज्ञा से चलाई, और चाहे जो कुछ मर गया हो उससे, प्रधानमंत्री ही क्यों नहीं मर गया हो, लेकिन उस सिपाही पर कोई केस नहीं चलेगा, वो उस पर चलेगा जिसने आज्ञा दी है, क्योंकि वो ही पूरा उसका कर्ता धर्ता नियंता है। यदि वो उसकी आज्ञा नहीं मानता तो उस पर केस चलता। यदि ऐसा ही आत्मा के साथ हो कि वो कर्म के उदय के अनुसार ही उसे सब काम करना पड़े तो फिर वो बिल्कुल निर्दोष सिद्ध हो जाएगा। फिर निर्दोष सिद्ध हो जाएगा तो बंध भी नहीं होगा उससे। लेकिन आत्मा ऐसा नहीं है। कल परसों के व्याख्यान में अपन सिद्ध करके आए हैं कि एक मौका ऐसा भी है कि वो कर्म का उदय हो और आत्मा राग द्वेष मोह नहीं करे, कम करे, ज्यादा करे, माने उसे बिल्कुल डिग्री टू डिग्री वैसा ही राग द्वेष करना जरूरी नहीं है। तो इसी का नाम वो कथनचित लगा हुआ है। तो कहते हैं कि यदि ऐसा मान लें कि केवली के समान उसके भी ये क्रिया होती है और ये किसी कर्म के उदय से होती है, तो सारा अपराध कर्म के उदय से हुआ तो कर्म को हो जो कुछ बंद फंद हो, तो कर्म को तो कोई बंद होता नहीं पर आत्मा को बंद होता है। तो ये सिद्ध करता है कि इसमें आत्मा का अपराध है। और हम कथनचित भी नहीं माने आत्मा का अपराध, तो फिर अरहंतों में और हमने क्या फर्क रहेगा, क्योंकि उनको भी उदय भाव है और वो क्रिया हो रही है, आहार विहार का जो भी हो रही है, आहार नहीं, आहार तो वैसे विहार के साथ मुंह से निकल जाती है, वैसे वो श्वेतांबरों की मान्यता है। तो कभी धोखे में ऐसा नहीं समझ लेना कि मैं ये कह रहा हूँ, है ना, समझ लेना। तो ये क्रियाएं हो रही है तो जैसे उनको बंद नहीं होता, और बंद नहीं होता तो हमने छाई की मान ली। तो वो कहते हैं कि ये सुविधा तुमने उन्हें अरहंतों को दे दी, पर हमें भी वो जो क्रियाएं हो रही वो कर्म के उदय से हो रही। गुस्सा आया
हमने गालियां बकी, चांटा मारा किसी को, तो क्रोध नामक कर्म के उदय से मारा, हमारा क्या है इसमें? तो फिर हमें भी कर्म बंध नहीं होना चाहिए। हम गुस्सा करें और कर्म बंध ना हो हमको, तो फिर वही तर्क आ जाएगा कि जो उदय की क्रिया को छाए की जैसी ही मान लेना चाहिए, तो जब उसको फिर क्या हो जाएगा, अरहंत जैसा हो जाएगा, बंध नहीं होगा। तो उसके अरहंत दशा नहीं है, राग देश मोह है, इसलिए तो संसार है ना, फिर उसके भी संसार का अभाव हो जाएगा। ये कहते हैं फिर उसको लोगों को भी संसार का ही अभाव हो जाएगा, वो संसार का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष का अभाव हो जाएगा। ये मोक्ष का अभाव कैसे हो जाएगा संसार का अभाव होने से? कहते संसार माने बंधन, तो जो बंधा ही नहीं है तो मुक्ति माने छूटना, उसके छूटने का क्या सवाल है? कोई किसी से पूछे कि तुम कब आ गए, कि कहाँ से, कि जेल से, तो यही कहेगा मैं गया ही कब, कि मैं कब कह रहा हूँ तुम गए थे, मैं तो ये कह रहा हूँ तुम कब आ गए, छूट कब गए। तो वो कहेगा आना जाने पूर्वक होता है, तो तुम भले ही आने की बात कह रहे हो लेकिन उसके पीछे तुम गए थे ये भी सिद्ध होता है। ख्याल में है ना, अरे भरी सभा में हम किसी का नाम लेके और ये कह दें कि अब तो एक खोटा काम छोड़ो, छोड़ दो, क्यों? और कदाचित वो खोटा काम करते ही नहीं हो तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्यों? कि सारी सभा ने ये समझा कि मैं ये खोटा काम करता हूं, तब तो मुझसे आप खोटा काम छोड़ने की अपील कर रहे हो कि मैंने कब कहा कि आप करते हैं। क्या समझ में आए ना, कि नहीं नहीं कहा तो भी। तो इसी प्रकार वो कहते हैं देखो वस्तुता जिनके यही है ना, 47 में ही है ना, नहीं बदल गया इधर है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार स्फटिक मणि लाल और काले फूल के निमित्त से लाल और काले स्वभाव रूप परिणमित होता दिखाई देता है, उसी प्रकार आत्मा कर्मोपाधि के निमित्त से सुभाषुभ भाव रूप परिणमित होता दिखाई देता है। अब ये परिणमित में स्वयं और लगा दो, यदि वो नहीं लगाएंगे ना तो जो हम कह रहे हैं सारा वो भाव नहीं स्पष्ट होगा। स्फटिक मणि है और उसमें दो फूल होते हैं, एक बोलते हैं तमाल का पुष्प और एक क्या दूसरा, तुम्हारी बात तो मैं सुनता नहीं हूं ना, जवा कुसुम और तमाल पुष्प है ना, तो ये दोनों जो फूल होते हैं एक लाल एक काला, तो उसमें ऐसा लगा देते हैं पीछे तो वो सारा मणि लाल दिखाई देता है, ये काला दिखाई देता है। तो ये मणि का उदाहरण क्यों दिया, क्यों कि ये मणि का स्वभाव है कि वो फूल की डांक लगे तो ये पूरा लाल दिखाई दे, ये वो डांक का स्वभाव नहीं है, उसमें ऐसी विशेषता नहीं है, वो कांच में लग जाए और चहक भी लग जाएगी वो चीज वैसी दिखाई देने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। एक किसके स्वभाव की विशेषता है, उस स्फटिक मणि में ऐसा स्वभाव है कि उसमें वो हम डांक लगाएं तो वो ऐसा दिखाई देता है, ऐसे ही आत्मा में ये स्वभाव है कि उसे कर्म का उदय पड़े तो वो राग देश में पड़े। कहते आत्मा का ऐसा स्वभाव कथनचित भी नहीं होता तो उसे कर्म का बंध नहीं होता तो संसार का अभाव सिद्ध हो जाता। अब ये सब चीजें शास्त्रों में ही रह गई हैं, क्या ये स्फटिक मणि ये सब अपन पढ़ते हैं ना, कोई एक चंद्रकांत मणि होता है, एक सूर्यकांत मणि होता है, कहाँ होता है देखा है, किसी ने नहीं देखा, जितने विद्वान पढ़ाते लिखाते हैं उन्हें किसी ने नहीं देखा,
पंडित चंद्रशेखर दास जी से कहा था एक दफे किसी ने कि आप इस बात को जानते हैं? उन्होंने कहा हम जानते हैं। कैसा जानते हैं? कि उसमें आता है कि उसमें बगीचे में अर्जुन भीम नाम के वृक्ष लगे थे, तो उसमें लिखा ना, कहाँ लिखा? रामचंद्र का पढ़ी किसी ने? नाम भी नहीं सुना होगा। केशव कवि की एक किताब है, उसका नाम है रामचंद्र का, जैसे तुलसीदास जी की रामायण है ना, ऐसे केशव की कवि की जो रामायण है उसका नाम है रामचंद्र का, और साहित्य में उसकी तुलना तुलसीदास की रामायण से की जाती है। बहुत बड़ा कवि माना जाता है, लेकिन उसे काव्य कला का प्रेत कहते हैं कि काव्य कला का वो भूत है। भूत क्यों? कि वो छंद और अलंकारों में इतना व्यस्त है, सैकड़ों छंद, हर कदम पे छंद बदल देता है, फिर छंद बदल देता है, लिखता है तो, और इतने अलंकार, एक एक छंद में दस दस अलंकार, शब्द अलंकार, ये अलंकार लगाता है। तो उसमें एक पंक्ति आती है, मैंने पढ़ी है पूरे आदि से अंत तक, अर्जुन भीम महामति लेखो पांडव की प्रतिमा सम देखो। याद है दादा? क्या लिखा? कहते अर्जुन और भीम नाम के वृक्ष थे उस बगीचे में, जैसे ऐसा लगता है जैसे पांडवों की प्रतिमा खड़ी हो। अब वो कोई वृक्ष पांडवों जैसे तो होंगे नहीं तो चंद्रशेखर दास जी से पूछा, क्या आपने अर्जुन और भीम नाम के वृक्ष देखे हैं जो इसमें लिखे हैं और आप हमें पढ़ा रहे हो? तो बोले हम तो ऐसे पंडित हैं कि लिखा अर्जुन वृक्ष विशेषा, भीम वृक्ष विशेषा, बस हम लिखते एक ऐसा इस टाइप का वृक्ष होता है, समझे ना। हमें पता नहीं है कि जे बरगद जैसा वृक्ष होता है कि फुहार जैसा होता है, फुहार समझते हो, अकौआ जैसा होता है। हमें इतना भी अंदाजा नहीं है कि ये जो भीम नाम के वृक्ष होंगे ये कैसे होंगे। हम ऐसे पंडित हैं कि चंद्रकांत मणि, कि एक ऐसा मणि होता है कि चंद्रमा की किरणें उस पर पड़े तो पानी की धारा बरसने लगती है, उसमें से जल धारा। एक सूर्यकांत मणि, कि ऐसा मणि होता है कि उस पर सूरज की किरणें पड़े तो वो आग उगलने लगता है। देखा है किसी ने? न चंद्रकांत मणि देखा, न स्फटिक मणि देखा, और न देखने की कभी संभावना है। लेकिन इतना हमारे दिमाग में जरूर कल्पना थी कि ये स्फटिक मणि एक होता है, ये लिखा ना समय सार में। अब समय सार की प्रजन सार की बात नहीं माने कि उसमें वो डाक लगा दो तो वैसा पूरा दिखने लगता है ना। एक और आया है इसमें, वो कौन सा नील, नील कौन सा नीलम नीलमणि, जिसमें वो रख दूध में रख दो दुधियम नीलमणि तो वो सारा गिलास का दूध वो नीलमणि की रंग का हो जाता है, जबकि होता नहीं है, निकाल दो तो वो दूध सफेद का सफेद है। अब ये सब शास्त्रों में ही देखे। तो जब हमने प्रतिमा लेने का नक्की किया कि अपने स्फटिक मणि की प्रतिमा लगाए, तो मैं कहता था इन सबसे कि इसमें लगाएंगे तो अपन इसके नीचे वो पहले बनवा देना, और अपन नीले का लाल पीले कई रंग की वो चीजें रख लेंगे और नीचे लगाएंगे तो एकदम आज स्फटिक मणि लाल दिखेगा, कल नीला दिखेगा, परसों सफेद दिखेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे। तब तक हम इसी धोखे में थे कि ऐसा होगा। फिर बाद में नहीं 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 मनी मनी ऐसे हो तो कुछ होगा नहीं, तो उसमें लाइट नीचे से लगा देंगे ऐसी, तो लाइट लाल जलाएंगे तो लाल दिखेगी, लेकिन न लाइट हुई न कुछ नहीं हुआ, वो वैसी की वैसी है। तब हमने उनसे कहा तो बोले यार ये सब शास्त्रों की बातें हैं, अब तुम शास्त्रों की बातें यहाँ देखना चाहोगे तो नहीं मिलेगी। तो वे बातें उदाहरण देने के लिए शास्त्रों में ही मिलती हैं, हो सकता है उनने भी नहीं देखी हो आचार्यों ने भी,
उनने भी पहले किसी शास्त्र में देखी होगी और उनने उदाहरण लिख दिया कि नील मणि और कौन कौन से मणि हो गए, तो यहाँ जो भी लिखे हैं वो जो दोनों लगा देंगे डाक, उससे ऐसे ही कर्मोदय की डाक लगेगी। तो एक दो उदाहरण दिए ना, कौन कौन, तमाल और जपा कुसुम। तमाल तो काला फूल और लाल, तो लाल माने सुबराग और काला माने अशुभराग। देखो ये उपमा दिए, अशुभराग और सुबराग में वो कर्मोदय की डाक लगती है, तो ये आत्मा सुबराग रूप या अशुभराग रूप परिणमित हो जाता है, द्वेष रूप परिणमित हो जाता है। कर्मोदय की डाक लगती है तो इन रूप परिणमित हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है, किसकी गलती है, कि उसकी गलती है जैसे बंद होता हूं। नहीं आया था, एक पंडित एक गांव में गया था, गांव वाले में जो पंडित में प्रवचन करने गया तो गांव वाले जो लोग थे उन्हें बहुत अपमान किया, उसे गद्दी से उतार दिया। कोई गलती हो गई होगी, तो उस नगर के जो अध्यक्ष था ना समाज का, उसके पास गया और उसने ये कहा कि देखो मैं तुम्हारे गांव में आया और मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ। तो शिव जी ने कहा देखेंगे देखेंगे देखेंगे, मैं तलाश करूंगा क्या हुआ कैसा हुआ। यही जवाब देते हैं, क्यों वो अध्यक्ष कहे देखूंगा करूंगा जब। तो फिर उसने कहा कि मैं क्या कह रहा हूं आपने सुना, सेठ जी ये मेरा अपमान हुआ है ना, तो मेरा नहीं हुआ है, ये आपका अपमान हुआ है। क्या आपके यहां सास की गद्दी से हटाया गया तो ये मेरा अपमान नहीं हुआ है, किसका हुआ है, आपका अपमान हुआ है। तो सेठ जी बोले वो तो ठीक है, ये हमारी नाक नहीं कटी, तुम्हारी नाक कटी है। क्या कहा, उन्होंने कहा हमारी कटी होगी कि तुम्हारी कटी है, जिसकी कटी होगी उसकी तिन में ना रही होगी। तो हमारी कटी है तो तुम क्यों चिल्ला रहे हैं। समझ में आया ना, यानी वो कर्म के उदय से आत्मा रागादि रूप परिणमा, तो गलती किसकी, तो वो कहते हैं जिसे बंध हुआ उसकी, तो बंध तो आत्मा को हुआ है ना। तो कथनचित वो स्वयं परिणमित हुआ है उस रूप, कथनचित क्यों, कि उसका स्वभाव, हाँ स्वभाव से विभाव स्वभाव उसका ऐसा है, कथनचित उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसको कर्म का उदय मिले तो वो राग आदि रूप परिणमित होता है। तो फिर अनंत भगवान को क्यों नहीं हुआ, तो कहते उनके वो विभाव स्वभाव का अभाव हो गया है, इसलिए उनको नहीं हुआ राग आदि कर्म, और उनका कर्म का उदय भी नहीं आ रहा ना। तेरे तो कर्म घातिया कर्म ही का नाश हो गया ना, मोहिनी कर्म का नाश हो गया, कि जिसके उदय से वो राग द्वेष मोह रूप परिणमित होता था वो उसके कर्म ही नहीं है, वो तेरे वो कर्म विद्यमान है। देखो अभी पढ़ता हूं, आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के भाव को नए विवक्षा से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांख्यों जैसी मान्यता वाला कोई शिष्य, ऐसा अपने शास्त्रों में होता सांख्यानु मताई शिष्य ऐसा आता है ना बार बार, यहाँ सांख्य कोई नहीं बैठा है, लेकिन हम ही में से कुछ लोग ऐसी मान्यता वाले होते हैं जैसी सांख्यों की मान्यता होती है। कोई निश्चयवासी, कोई व्यवहारावासी, कोई ऐसा थोड़ी बढ़ता है मैं निश्चयवासी हूँ मैं व्यवहारावासी हूँ। नाटक में तुम्हें पाठ दे दिया जाए क्यों, तो तुम भले ही निश्चयवासी का पाठ करो व्यवहारावासी का पाठ करो, लेकिन तुम कोई निश्चयवासी थोड़ी अपने को मानते, कोई व्यवहारावासी थोड़ी अपने को मानता है, नहीं मानता ना। ऐसे ही सांख्यों जैसी मान्यता वाला कोई शिष्य यदि ऐसा कहे कि जिस प्रकार आत्मा शुद्ध नय से
स्वभाषुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, उसी प्रकार अशुद्ध नय से भी स्वभाषुभ भाव रूप परिणमित नहीं होता, तो व्यवहार नय से भी समस्त जीवों के संसार का अभाव हो जाए और सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध हो जाएंगे। आया समझ में क्या कह रहे हैं कि यदि शुद्ध नय से उन्हें नय लगाया, उनने तो स्वभाव से विभाव स्वभाव से ऐसा कह दिया था बस, तो कहीं तो नय लगाना पड़ता है। नय लगाओ नय नहीं लगाओ तो हमको ऐसा बताना पड़ा दीर्घ दृष्टि से ऐसा लगा देते ना, इस अपेक्षा हम ऐसा भी लगा देते हैं पिता की अपेक्षा पुत्र की अपेक्षा, माने वो जो अपेक्षा लगाई जाती है उसके कई तरीके हैं। तो कहते हैं वो सब जीव यदि हम उसको व्यवहार नय से भी अशुद्ध नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे कि उसकी गलती है, तो फिर वो सिद्ध हो जाएगा। अब देखो व्यवहार नय जिसे अपन झूठा कहते हैं ना वो कितना कार्यकारी है, माने संसार उस व्यवहार नय से है, क्योंकि वो अशुद्ध नय से है। आत्मा कौन सा, वो जो स्वभाव है ना व्यवहार स्वभाव, वो शुद्ध नय से नहीं अशुद्ध नय से है। इस पर सांख्य मतानुयायी शिष्य कहता है कि संसार का अभाव होता है तो हो जाने दो, जिंदगी में संसार का अभाव हो जाएगा, तो वो कहता हो जाएगा तो बढ़िया है, मोक्ष हो जाएगा। संसार का अभाव हो जाता है तो हो जाने दो, वह तो हमारे लिए भूषण है दूषण नहीं, हमारा तो मजा आ जाएगा। संसार का अभाव हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। अरे कहते भाई संसार का अभाव नहीं होगा तो क्या होगा, तेरी मान्यता में संसार का अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव वास्तव में नहीं होगा, ये तो अपन न्याय की भाषा में इस तरह होते हैं कि यदि तुम ऐसा मानोगे तो जीव अज्ञानी सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध भी रागी देसी सिद्ध हो जाएंगे, होने जाने कुछ नहीं है। वो तो तुम ऐसा नहीं मानोगे, ऐसा मानोगे तो ऐसे होने की संभावना है, ये अर्थ है। उससे कहते हैं कि यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है, क्योंकि संसारी जीवों के स्वभाव भाव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, कि भई ये तो प्रत्यक्ष विरुद्ध हो जाएगा ना, कि संसारी के स्वभाव भाव है ही नहीं, कि निश्चय ऐसे नहीं है, और हम देख रहे हैं राग गुस्सा क्रोध मान माया लोग हो रहे हैं, कर्म से भी बंध रहे हैं, और क्योंकि निश्चय नहीं तो राग क्रोध का करता राग का करता आत्मा है ही नहीं। बोलो अब यहाँ ये व्यवहार नहीं भी किसी काम का है ना, अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा रागादि का करता है, वो शुद्ध निश्चय नय से आत्मा रागादि का करता नहीं है, इतना निश्चय व्यवहार तो तुमने पढ़ा होगा ना। अब वो कहते हैं जैसे शुद्ध नय से वो राग देश का करता नहीं है, ऐसे ही अशुद्ध नय से भी हम ऐसा मान लें कि वो राग देश का करता नहीं है तो राग देश का ही अभाव हो जाएगा, क्योंकि फिर तो है ही नहीं ना निश्चय से, ना शुद्ध निश्चय से, ना अशुद्ध निश्चय से, ना निश्चय से, ना व्यवहार से, तो फिर तो है ही नहीं ना। जब तो राग देश रहने से संसार होता है। इस प्रकार इस गाथा में मूल रूप से यही कहा गया है कि केवल भगवान के जो दिव्य ध्वनि का खिलना, बिहार का होना आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उनके कारण उन्हें रंच मात्र भी बंध नहीं होता, क्योंकि केवली भगवान के माया मोह राग देश का पूर्णता अभाव हो गया है। उक्त कथन के आधार पर कोई अज्ञानी यह कहने लगे कि जब केवली भगवान के चलने फिरने और बोलते रहने पर भी बंध नहीं होता, तो फिर हमें भी चलने फिरने और बोलने के काल में बंध नहीं होना चाहिए, है ना। उसके समाधान में इस गाथा में कहा गया है कि बंध तो मोह राग द्वेष से होता है, शारीरिक क्रियाओं से नहीं। केवली भगवान के मोह राग द्वेष नहीं है, अतः उन्हें उक्त क्रियाओं के सद्भाव में भी बंध नहीं होता, और संसारी जीवों के मोह राग देश होने से बंद होता है। केवली भगवान के समान यदि संसारी जीवों के भी
ओदय की क्रियाओं के काल में बंध का अभाव माना जाएगा तो फिर संसार ही नहीं रहेगा, क्योंकि बंध दशा का नाम ही संसार है। देखो अरहंत भगवान को बंध नहीं होता, सिर्फ इतना सिद्ध करना था। और औदिक भाव उनके हैं, और पहले हम कह आए थे कि औदिक भाव है उससे जो भी चीजें मिलती हैं उससे बंध होता है, तो इससे सारा झगड़ा खड़ा हुआ। झगड़ा क्यों खड़ा हुआ? अब औदिक भाव तो 21 प्रकार के होते हैं, होते ना, मालूम है कौन कौन से? बोलो। अरे भाई तत्वासूत्र का सूत्र नहीं, दूसरे अध्याय नहीं आ रहे हैं, शुरू के 7-8 सूत्र जाने तो दूसरा अध्याय तत्वज्ञान पाठमाला में भी तो हैं। पांच भाव है ना, पांच अभाव, कहना पांच भाव है, पांच प्रकार के भाव, औपसमिक, छायक, छाय उपसमिक, औदयिक और पारिणामिक है ना। तो औदयिक भाव कितने प्रकार के हैं? 21 प्रकार के हैं ना। हाँ तो बोलो हैं, तो 21 प्रकार के हैं तो वे कौन कौन है? तो तुम आप जानते हो उदय 8 ही कर्मों का होता है, 6 भी 8 ही कर्मों का होता है, 6 कितने कर्मों का होता है? 4 का होता है ना, और उपसम? हाँ बोलो बोलो। ओनली वन मोहिनी कर्म का होता है, उपसम अकेले मोहिनी कर्म का होता है। तो उदय 8 का होता है ना, 8 कर्म के उदय में जो जो भाव होंगे वो सब औदिक कहलाएंगे, समझे ना। अब औदिक भाव और अकेले चारित्र मोहिनी के उदय में, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय में जो भाव होते हैं बंध के कारण, तो अकेले वे हैं। तो बाकी के जो भाव हैं उन्हें 21 में चारित्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के उदय में कितने, 1-2 भाव होते होंगे। बाकी के भाव हैं वे तो इनके उदय में नहीं होते हैं, वो तो कई दफे अपन कह चुके हैं निरर्थक जाते हैं, उनसे तो कर्म का बंध होता ही नहीं। वस्तु स्थिति तो ये है कि हमें उनकी बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें कि अरहंत भगवान जो अनंत शक्ति के धारक हो गए हैं और उन्हें मोक्ष जाना ही है, तो वे भी उन अघातिया कर्मों के उदय से होने वाले औदिक भावों के बारे में कुछ नहीं करते, उनके नाश का कोई प्रयत्न नहीं करते। वो जब उनकी आयु कर्म खत्म हो जाती है स्थिति, तब विस्मोक चले जाते हैं, और जब तक नहीं होती तो अपने रहते हैं, यहां पर रहते हैं। जिन कर्मों के संबंध में अरहंत भगवान भी चिंता नहीं करते, अब हम उनसे ही शुरू करते हैं। अघात्या कर्मों में एक वेदनी नाम का कर्म है, तो उसमें अनुकूल प्रतिकूल हमें संयोग मिलते हैं, और जो थोड़ी तकलीफ हो जाती है ना, कभी चोट लग गई तो तकलीफ हो गई तो असाधा वेदनी कर्म की वजह से, कभी ठंडी ठंडी हवा लगी तो साता वेदनी कर्म, ऐसा होता ना इन कर्म की उदय में, तो उसी में हम सारा फेरफार करने में सारी शक्ति जीवन भर 99% तो हम अकेले उसमें ही लगाते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये संयोग जो हैं वे थोड़े अच्छे हो जाएं। और अच्छे की क्या परिभाषा है? जिसके पास 2 कमरे का रूम है, मकान है, उसे 3 का चाहिए, वो 3 का हो जाए तो वो समझता मोक्ष हो जाएगा, और जिनके पास 3 का है उन्हें 4 का चाहिए, जिनके पास 4 का है उन्हें 5 का चाहिए, चाहिए ना, मेरा मतलब ये समझ गए ना। तो ये है क्या, वो ये उन संयोगों के लिए ही हम सारा प्रयत्न करते हैं, जिनके बारे में अरहंत भी कुछ नहीं करते। अब कुछ नहीं करते छोड़ दो, अब इसको भाषा दो, कुछ नहीं कर सकते, माने अनंत वीर के धनी
अरहंत भगवान भी दिन में कुछ नहीं कर सकते फेरफार करने के लिए, हम अल्प वीर के धनी उसमें ही अपनी सारी शक्ति लगाते हैं, क्या होगा बोलो। हमारे करने से कुछ भी होता नहीं है, बस हमारी सारी शक्ति लगी रहती है। फिर कोई थोड़ी बहुत विकल्प आता है तो फिर हम हमारा ज्ञान अच्छा हो जाए, दर्शन अच्छा हो जाए, थोड़ी शक्ति आ जाए, माने ज्ञान बढ़नी, दर्शन बढ़नी, अंतराय इनमें हम लग जाते हैं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, अब मोहिनी कर्म के बारे में सोचते ही नहीं, जबकि नाश की प्रक्रिया सबसे पहले दर्शन मोहिनी की और बाद में चारित्र मोहिनी की होती है। तो ये चारित्र ले लो फिर बस खत्म, कि सम्मेलन उसका तो कोई ठिकाना है नहीं, कब होगा नहीं होगा पता ही नहीं चलता है, हो गया कि नहीं हो गया। चारित्र का पता तो लगता है, चंद्रा उड़ते हैं, बाल माल मुड़ा लेते हैं, केस लॉन्च कर लेते हैं तो दिखने लगता है, तब फटाफट चारित्र, वो सम्मेलन तो दिखता ही नहीं है, क्यों? इसलिए फिर चारित्र लग जाते हैं। दर्शन वो जो सबसे पहले जिस पर प्रहार करना चाहिए, सिद्ध चक्र विधान की जयमाला में लिखा है, क्या लिखा है? जय करण कृपाण सुप्रथम बार मिथ्यात्व सुभट कीनो प्रहा दृढ़ कोट बिपरे मति उलंघ पायो समेकित थल थिर अभंग। अब देखो सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए, कोई बात नहीं। अब ये देखिए बंद के कारण पांच है ना, जरा ध्यान, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, बस हमको सबसे पहले योगा करना है, मन वचन कार्य को कंट्रोल में करना है, कुछ सबसे बाद का है। अरहंत भगवान भी उसके लिए कुछ नहीं करते, सबसे ज्यादा चंचल उनका योग है और वे कुछ नहीं करते। अरहंत भगवान जिसमें कुछ नहीं करते हमें वो करना। एक भाई मेरे पास आए थे आज दिल्ली से, और वो बैठे रहे, बहुत 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 भद्र मिथ्य सम्य दृष्टि, मतलब सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो छोड़ो, लेकिन बहुत अच्छे मुमुक्षु, उन्हें बहुत जिज्ञासा, और उनकी पत्नी वो बार बार मेरे पूछते थे कि आप ये बताओ कि हम ध्यान करने के लिए हम क्या करें, और ध्यान के बारे में मेरे क्या विचार हैं, तुम लोग तो जानते ही हो, मैं क्या कहना तुम्हें ध्यान का, ध्यान का क्या करोगे, समझ में आई ना? नहीं नहीं, स्वाध्याय करो, तुमने स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय करेंगे तो उसी में से फिर ध्यान निकल आएगा, मतलब उसी करते करते ध्यान हो जाएगा, मैंने उन्हें हर हालत में ध्यान चाहिए था, बस तुम उसकी विधि बता दो। तो मैंने ध्यान की किताब दी उन्हें, तत्वा सूत्र दिया, और उसमें बताया कि जे इतने सूत्र हैं ये ध्यान के बारे में तुम पढ़ना, फिर मेरे से बात करना ध्यान के बारे में, क्या करता हमें पूरा ध्यान तो उसे समझा नहीं सकता, मैंने ध्यान करना था। यानी जिन योग योग माने योग को अरहंत भगवान कुछ नहीं करते, हमें वो वहां से शुरू करना करना था, कहां से चाहिए था? मिथ्यात्व के अभाव से, है ना, फिर अवृत्ति का अभाव, फिर अवृत्ति के बाद में प्रमाद का अभाव, फिर कषाय का अभाव, फिर योग का। अब देखिए वो सबसे पांचवा नंबर पे था ना, सबसे लास्ट में फिर कहते हैं बस खत्म, तुम योग कर लो, मतलब मन वचन कार्य को काबू में कर लो। अब ये योग तो देह की क्रिया, मन शरीर को ऐसा अकड़ के रख लेना, वो समझता मैंने शरीर को काबू में कर लिया, हो गया शरीर के काबू में, कुछ नहीं अनु, मैंने शरीर तो परद्रव्य है, उसमें क्या काबू में कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता, एक बाल को तो कर नहीं सकता, ऐसा जब अकड़ के बैठा है वैसे आंख में से आंसू निकले तो रोक नहीं सकता, नाक में से पानी की धारा निकल जाए तो रोक नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। फिर क्या कहता है, बस कसाय मत करो। अब कसाय दसवें गुणस्थान तक होती है, और बंद के कारणों में चौथा नंबर है उसका, पहले मिथ्यात्व तो जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कसाय जाएगी, दसवें गुणस्थान तक होती है ना,
वैसे तो वो अनंतानंदी के साथ मिथ्यात्व के साथ ही जाएगी, लेकिन वो अंत में जाती है ना, इसलिए वो कहते कसाय, तो फिर कसाय मत करो। अभी कसाय ऐसे तेरे नहीं करने से रुकती है ना। कसाय कैसे रुके, अपन ने बालबोध पाठमाला में लिखा, क्या लिखा, न भाषित नहीं हो तब कसाय नहीं होगी, तो ऐसा तो वो कुछ करता नहीं है, फिर जबरदस्ती गुस्से को रोकने की कोशिश करता है। वो ऐसा करता है कि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो महाराज ने बताया कि तू कल आना, फिर मैं कोई तुझे दवाई बताऊंगा। वो दूसरे दिन आई तो एक बोतल उसने दी भरी हुई, ये कहा जब तुझे को गुस्सा आए तो इसे तू मुंह में लेना, पानी जो बोतल में जो दवाई थी ना, वो इसको अंदर भी नहीं गुटकना और बाहर भी मैं नहीं गुटकना, ऐसा मुंह में रखना। कब तक, कि जब तक तेरी सांस बड़बड़ाती रहे। जब उसका बड़बड़ाना रुक जाए तो तू बात दिखाई दे। तो जब वो जवाब देती थी तो उसे और गुस्सा आता था, जब उसने जवाब नहीं दिया तो वो चुप हो गई। हे सास का गुस्सा, ये दवाई मैंने अपने मुंह में रखी तो मेरा नहीं, सास का गुस्सा कम हो गया। ऐसे उपाय बताएंगे कैसा है कम करने के। जब तक मिथ्यात्व के कारण जो उल्टी मान्यता है वो नहीं जाएगी, तब तो अभ्यास से तब तक जाएगी नहीं। मैंने कोई गलत रास्ता तो बताया नहीं था, उसे स्वाध्याय करने को कहा था, तो वो तत्वाभ्यास ही तो है। क्यों, वो सचमुच ये बिल्कुल सही रास्ता बताया था ना, जो आपको बताया है, किसी को भी बताता हूँ, ऐसा तो नहीं कि उसको मूर्ख समझ के कोई उल्टा सीधा रास्ता बताया हो, नहीं जाती हो। पढ़ने में तो मन नहीं लगता, नींद आ जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है, ध्यान दे। फिर प्रमाद छोड़ दो, आलस नहीं कर, प्रमाद छोड़ दो। मानो सुबह जल्दी उठ जाना, दौड़ के जाना, सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना, अरे महाप्रमाद है ये। जो प्रमाद का अभाव तो हिलना ही नहीं, आप समझे ना। अप्रमत्त किसे बोलते हैं, शुद्ध उपयोग की दशा होती है ना तब उसे अप्रमत्त बोलते हैं, और जब तक वे मुनिराज है ना छठवें गुणस्थान में तब तक वे प्रमादी हैं। प्रमादी, अप्रमाद का स्वरूप ही नहीं समझते, प्रमाद छोड़ दो, प्रमाद छोड़ दो। फिर अविरति तो व्रत ले लो, और मिथ्यात्व अब उसकी तो क्या कहें, अगले भव के लिए रख लेते हैं। यानी किन्म ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अविरति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है, और फिर योग ठीक होता। एक क्रम है तो वहां भी उल्टा चलता है, मन हर काम हमारा उल्टा है, उल्टा है, उल्टा है। देखो ये गाथा पूरी करनी है ना, इस प्रकार इस गाथा में मूल रूप से यही कहा गया है कि केवली भगवान के जो दिव्य ध्वनि का खिलना, बिहार का होना आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उनके कारण उन्हें रंज मात्र भी बंध नहीं होता, क्योंकि केवली भगवान के मोह राग देश का पूर्णता अभाव हो गया है। उक्त कथन के आधार पर कोई अज्ञानी यह कहने लगे कि जब केवली भगवान के चलने फिरने और बोलते रहने पर भी बंध नहीं होता, तो हमें भी चलने फिरने और बोलने के काल में बंध नहीं होना चाहिए। अब हमें तुम बंध होता कहते हो, उनके समाधान में इस गाथा में कहा गया है कि बंध तो मोह राग देश से होता है, शारीरिक क्रियाओं से नहीं। केवली भगवान के मोह राग देश नहीं है, अतः उन्हें उक्त क्रियाओं के सद्भाव में भी बंध नहीं होता, संसारी जीवों के मोह राग देश होने से बंध होता है। अब वो तो ये कह रहे थे कि तुम ये मत करो, आप समझे ना, वो उन क्रियाओं पे पीछे पड़ रहा था कि वो केवली भगवान को नहीं हुआ, उससे बंध नहीं हुआ, तो हमें भी ये क्रियाएं करने की सुविधा मिलनी चाहिए और बंध नहीं होने की गारंटी मिलना चाहिए। ऐसी भाई वो उससे तो कुछ होता ही नहीं, ना केवली को होता है और ना हमें होता है बंध। फिर अपन ने वो बात करी थी ना कि 7 कर्मों के उदय से जो भी चीजें हमें मिली हैं वो बंध में निमित्त नहीं है, अकेली मोहिनी क्रम के उदय में जो चीज है वो बंध में निमित्त है।
तो फिर हम उन्हीं उन्हीं के बारे में ज्ञानावरणी से क्या है, आपको कम समझते हैं, आपको तो आपको उसे बंध का कोई संबंध नहीं है, दर्शनावरणी से भी नहीं है। यदि आपका शरीर थोड़ा गोरा है, किसी का काला है, तो काले वाले के शरीर में दर्द रहता होगा, उसे ज़्यादा कर्म बनते होंगे, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। अब वो जो मिल गया सो मिल गया, अब उससे आपका कोई, आप बहुत अच्छे बुद्धिमान निकल सकते हैं, टॉपर्स हो सकते हैं, वो चपरासी बन के रह जाए, आप उसके ऊपर ऑफिसर हो सकते हैं, क्यों? कलर की वजह से तो आपको कभी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा ना, तो क्या तकलीफ है उससे? और अब वो जब खत्म होंगे हम, वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो तो अपने आप जाने वाला है, और उसको भेजने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसी के लिए क्रीम पाउडर लपेटते हैं, केसर खाते हैं, मैंने हम उसको ही बदलने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारा कुछ नहीं चलना और जिससे कोई बंध नहीं होता। जब बंध नहीं होता तो हमें उसकी फिर क्या चिंता करना चाहिए? नाम कर्म के उदय से जो भी हुआ है, गोत्र कर्म के उदय से जो भी हुआ है, नीच गोत्र ऊंच गोत्र है, अरे जो भी ये घातिया घातिया कर्म है, हम उन्हीं उन्हीं में उलझे रहते हैं। जो असली मोह कर्म के उदय से बंध का कारण है, जो संसार का कारण है, उसमें नहीं उलझ जाते। अब विद्वान बन गए, पंडित हो गए ना, तो अब आ जाते हैं ठीक चलो, तो वहाँ सबसे पहले चारित्र पे चले जाते हैं, तो होता वहाँ क्या क्रम है? पहले मिथ्यात्व का नाश होता है, फिर चारित्र का होता ना, मोह का नाश होता है, तो वो चारित्र के पहले चारित्र ले लो, समझना तो हो ही जाएगा, फिर देख लेंगे है? तो चारित्र पे शुरू कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, कुछ ना तो ये होनी चाहिए, ये तो करनी ही चाहिए। अभी जरा विचार करो, संलेखना समाधि मयन चल रहा है ना, तो अभी सब टीवी पे सब मुनिराजों के प्रवचन आ रहे हैं, और सब संलेखना चल रही है, संलेखनी संलेखना पे इंटरव्यू चल रहे हैं, प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, सुन सुन के हंसी आती है, क्या कर रहे? बस भोजन छोड़ दो, संलेखना, भोजन छोड़ दो, भोजन छोड़ दो, संलेखना अब उन्हें इसलिए ऐसी चीजों को उन्हें रोक लगाई है, वही देखते हैं वो सल्लेख ना कितनी बड़ी चीज है, कितना उसका स्वरूप है, क्या है वो कोई बात नहीं है। फिर कहते हमारा मनने का अधिकार, अरे मनने का अधिकार है वो तो संविधान में है कि तुम्हें जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है, वो आत्महत्या को दोष माना है, तो आप वही कह रहे हो हमें अधिकार है, हमारे धर्म में लिखा हमें अधिकार। अरे संलेखना मरने का, स्वयं मरने अपने हाथ आत्मघात करने का नाम तो है ही नहीं ना, संलेखना में आत्मघात होता ही नहीं, अपन यही तो कहते हैं है? हम उसे हमने इनडायरेक्ट वे में स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा तो ये अधिकार है, हमें कौन रोक सकता है, क्यों हम खाना खाएं कि नहीं खाएं हमें कौन रोक सकता है? गांधी जी जेल में जाते थे ना, जब वे उपवास करते थे, तो उपवास करते 8 दिन का 10 दिन का, तो अंग्रेज लोग सब घेरे रहते थे, तो उन्हें लगता था कि बुड्ढा मर जाएगा तो सारा देश, हमको एक भी अंग्रेज को हिंदुस्तान से जिंदा वापस नहीं जाने देगा इंग्लैंड, क्योंकि बहुत लोकप्रिय आदमी है, इसलिए किसी कीमत में इसे हमारी जेल में नहीं मरना चाहिए, नहीं तो फिर देश को संभालना बहुत कठिन काम है। तो वे उनको दूध पीने को बोलते थे, तो वे दूध पीते नहीं थे, तो क्या करते थे कि 2-4 आदमी जाते थे गांधी जी को, इतने बड़े आदमी थे, इतने लोकप्रिय, समझना, घबराना नहीं, क्या हो सकता है आपके साथ, गांधी जी को पकड़ के मुंह खोल के मुंह में एक वो लकड़ी का वो होता था ऐसा डाल के, ऐसा करके उसमें पुंगी होती थी, वो पुंगी में दूध डालते थे, तो वो जा करके मुंह में जाता था, पीना पड़ता था, पी जाते थे, इस तरह उन्हें दूध वहां पिलाया जाता था देल में कि मर ना जाए। तो बाकी के और भी लोग जाते थे, और वहां पर उनको बहुत खराब खाना मिलता था, जेल में जाते थे, कोई स्वतंत्रता सेनानी, मुझे गांधी जी उपवास करते हैं तो उनको दूध पिलाते हैं ये लोग, तो अपन भी उपवास होगा
तो अपन को भी दूध पिलाएंगे क्या? लेकिन वे नहीं आते, वो तो गांधी जी को पिलाते थे, तुम्हें थोड़ी पिला, वो गांधी जी को पिलाते थे, समझ गए ना? लेकिन हमें भी पिलाएं, तो जब उनको मुश्किल से कोई आदमी आता था और दूध पिलाने के लिए उनके मुंह में नली डालता था और दूध पिलाने की कोशिश करता था, तो वो गटागट पी जाता था क्योंकि उसने तो दूध पीने के लिए उपवास किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने देश में अपने सबसे बड़े लोकप्रिय नेता के साथ भी उपवास करने को मैं को उसका उपवास ऐसे भंग कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे तुम उपवास कर रहे हो और इस उपवास से तुम मर भी सकते हो, आप समझ गए ना? तो वो ऐसा मान के कि तुम वो क्या, मैं तो आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो सारे देश को जगा रहा हूं, तुम्हारे विरुद्ध खड़ा कर रहा हूं, मैं आत्महत्या थोड़ी कर रहा हूं। मेरे भैया बेमाने ही मानेंगे, तुम नहीं कर रहे हुए हो लेकिन तुम नहीं पियोगे खाओगे तो मर जाओगे, आप समझे ना? और हमें तुम्हें मरने नहीं देना है। मैं क्या कह रहा हूं तुम्हारी समझ में आ रहा है कुछ? माने ऐसा भी हो सकता है समझ गए ना? क्या क्या कर ले, क्या, अरे क्या करना है किसी को, क्या करना है? लेकिन वस्तु स्थिति ये है ही नहीं, ये हम आरोप को जबरदस्ती स्वीकार कर रहे हैं। ये संलेख ना हमारे मरने का अधिकार ऐसा है ही नहीं। उसमें ही मैंने तो जितना पढ़ा, इन दोनों में बहुत पढ़ा, लेकिन उसमें कहीं ये आया ही नहीं। वो तो कहते हैं कि जब तक तुम किसी भी उपाय से बच सकते हो, बचने की पूरी पूरी कोशिश करो, और जब बचना नहीं सको तो फिर व्यर्थ दुखी मत हो, चुपचाप शांति से देह का परिवर्तन हो जाने दो। भाई इतनी सी बात है, इसमें मरने की बात कहाँ है? तुम तो पूरे बचने के उपाय करो। मैं बहुत एक दो लाइन में बता रहा हूं, और जब तुम बचना बिल्कुल भी संभव नहीं रहे, तुम्हारे हाथ में नहीं रहे, तो अब चिल्लाओ मत, रो मत, दुख मत प्रकट करो, घबराओ मत, बस शांति से देह परिवर्तन का काम हो जाने दो। इतनी सी बात है। यदि हम ये बात कहें तो वो आरोप कहाँ रह जाता है? हमारे यहाँ मरने की बात ही नहीं, मरने का अधिकार कहाँ है? वे कहते मरने का अधिकार हम किसी को नहीं देंगे, हम कहते मरने का अधिकार। अरे तुमने उनका आरोप हम पे मान लिया, हो सकता है या तो हमने बहस भी ऐसी करी होगी, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, तो उन्हें नहीं मानी क्योंकि हमारे कानून में ऐसा अधिकार नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारा तो अंत तक बचने का प्रयास है, ये आज्ञा है शास्त्र की। तो मेरे कई प्रमाण में जो मिले हैं शास्त्र के हैं कि जब आप का मरण अनिवार्य हो जाए किसी भी कीमत पर, हम हमारा बचना संभव नहीं हो, तब फिर शांत भाव से जो भी हो रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा बन के रह जाओ, तो तब अपने तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, मर जाओ वाली बातें ही कहाँ है? फिर जो होगा सो हो जाएगा, हम तो बचने का उपाय अंत तक करेंगे। इसका नाम समाधि मरण है, कोई मानने को तैयार नहीं। यदि मैं ये बात कहूं तो लोगों के गले नहीं उतरेगी, क्या करें? एक मौका ऐसा आया है कि जब सारे देश को इस बात को कहेंगे और देश सुनेगा और पढ़ेगा, ऐसे मौके पर जो उसका सही स्वरूप है वो हमें समाज के सामने रखने का बहुत अच्छा अवसर है, नहीं तो हम लिख के रख जाते, कोई पढ़ता तक नहीं है ना, तब उसका स्वरूप ख्याल में आएगा। अब हमें बता बसा, हमें कोई प्रमाण दो, प्रमाण दो, क्या क्या प्रमाण दें तुम्हें? तुम्हें तो इस बात का प्रमाण चाहिए कि हमें मरने का अधिकार, हम तो मरेंगे, हम तो खाना छोड़ देंगे और मर जाएंगे, जब तक मर जाएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए मर जाएंगे। ये तो तुम्हें तो ये लड़ाई लड़नी है, ये बहस करनी है, ये तो है नहीं शास्त्र में एक्चुअल है। अपनी ये गाथा हो गई है 47वीं, 46वीं, कल 47वीं गाथा चलेगी।